न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें वैसे कहता क्या है? दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इस चीज को हम प्रूव करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जो फोर्सेस होंगी इन नेचर, इन द नेचर, वो हमेशा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन पेयर्स ऑफ बॉडीज में ऑफ होंगी। पेयर ऑफ बॉडी यानी कि एक ये बॉडी और एक ये बॉडी, ठीक है, दो बॉडीज में होगी। मान लीजिए इसका, इस बॉडी का नाम है ए और इस बॉडी का नाम है बी, ठीक है। तो जो जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, एक टाइम पे आके क्या ये दोनों क्या है, एक दूसरे से काइंड ऑफ टकरा जाएंगे, ठीक है। तो जब ये टकराएंगे, उस वक्त जो ए है वो बी के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा, एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा बी ए पे। यानी कि जो फोर्स ए ने बी पे अप्लाई कर दी उतनी ही, बट उसकी ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स इस डायरेक्शन में। अगर सेम होता तो इस डायरेक्शन में नहीं होना था, वो इस डायरेक्शन में होना था, बट इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इस सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, बी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए, ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स ऑन ए बाय बी ये लग रही है, ए के ऊपर बी के द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है ये वाली। फिर फोर्स ऑन बी बाय ए को ऐसे इस तरह से दिखाएंगे, सॉरी बी बाय ए, फोर्स ऑन बी बाय ए, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन है तो इसके ऊपर एरो लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यानी कि अगर फोर्स लग रही है ए के ऊपर बी के द्वारा, वो इक्वल होगी और ऑपोजिट होगी बी के ऊपर फोर्स लग रही होगी ए के द्वारा। ये क्या है हमारा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब एग्जांपल है, जब भी हम स्विमिंग करते हैं, मान लो हम इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, ये आदमी है, ठीक है, ये हमारा स्विमिंग पूल है, जो आदमी है इस डायरेक्शन में स्विम करना चाह रहा है, तो जब वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहा है, वो अपने हाथों से पानी को के पीछे की तरफ खींचेगा, ऐसे पीछे की तरफ मारेगा, ताकि अपने लिए जगह बना सके उस पानी में और अपनी बॉडी को आगे की तरफ धकेल सके। तो उस वक्त क्या होता है, मैन क्या है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, उसके बदले में पानी उसको आगे की तरफ इस तरफ कर देता है, जो पीछे हटा पानी, पीछे वाला पानी, वो उसको आगे की तरफ धकेल देता है। पानी एक इधर गया और इसने मैन को आगे की तरफ धकेल दिया, यानी कि आदमी आदमी जो है आगे चला गया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सेम हमारे पास बोट वाले एग्जांपल में होता है, किश्ती है, उसके चप्पू चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जब चप्पू चलाए जाते हैं जिस डायरेक्शन में मूव करना होता है उसके ऑपोजिट चलते हैं, मान लिए इस तरफ जाना है तो चप्पू जो है घुमा के ऐसे करके ऐसे जाने के जाएगा, पानी को पीछे धकेला जाएगा ताकि वो चप्पू की मदद से किश्ती को आगे की तरफ खींचा जाए। और ये जो फोर्सेस है हमेशा की क्या है, पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। ये इनका पानी का और आदमी का पेयर था, चप्पू और पानी का पेयर था, क्यों, ये जो दो फोर्सेस एक्ट करती है हमेशा क्या है, साइमल्टेनियसली एक्ट करती है, नेचुरली एंड एक साथ एक्ट करती है। तो एनीवन, कोई भी चीज है, चाहे पानी है, चाहे आदमी है, चाहे ये तो बॉल है, इनमें से कोई एक एक्शन करेगा ही करेगा, तब भी उसके बदले में रिएक्शन होगी। अगर बॉडी सिर्फ एक है, ठीक है, आसपास कुछ नहीं है, किसके ऊपर वो एक्शन करेगी, और अगर एक्शन ही नहीं करेगी तो इन रिएक्शनों के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ना ही वो आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी, ना ऊपर ना नीचे, कोई भी हमारे पास ऐसा एक्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि ये क्या है, एक्चुअल में
क्या है, एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। यानी कि इस बॉडी के कारण इसने इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट किया, इस आदमी के कारण इसने पानी के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट किया, इस चप्पू के कारण इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट आया, जिससे क्या वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ पाया, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि पहले तो इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ होती हैं, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है एप्लीकेबल है हर जगह पे, फर्क नहीं पड़ता नेचर ऑफ फोर्स क्या है, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कोई भी चीज है, हर जगह पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मेरे पास एप्लीकेबल है। और ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकती है, मैकेनिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स भी हो सकती है, हर एक में ये एप्लीकेबल है। सो इट डज नॉट कंसीडर द नेचर ऑफ फोर्स। और जो एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करती है, एक बॉडी पे ये एक्ट करे तो दूसरी बॉडी की जरूरत है क्या, है ना। यानी कि इसने एक्शन की कॉज के इसकी वजह से इसके ऊपर रिएक्शन हुआ, इसने इसके ऊपर रिएक्शन किया, तो दोनों डिफरेंट बॉडीज चलेंगे। इसने इसके ऊपर एक्शन किया तो इन रिटर्न इसने इसके ऊपर रिएक्शन किया, इक्वल एंड ऑपोजिट। और ये जो फोर्सेस होती हैं एक्शन एंड रिएक्शन की, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है, दैट नेगेटिव साइन मींस इज द ऑपोजिट। अगर तो ये होते इक्वल, अगर ये होते इक्वल तो एफ ए बी हमारे पास एफ बी ए आ जाता, तो कहीं पे भी यूज करते एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है इन दिस लॉ, ठीक है। तो इक्वालिटी तो यहाँ पे आएगी नहीं, जो भी आएगा इक्वल बट ऑपोजिट, ये चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि एक दूसरे को कभी भी बैलेंस नहीं करेंगे। और अगर रिएक्शन नहीं हो रही है, अब रिएक्शन नहीं हो रही है यानी कि आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, एक्शन किए जा रहे हो लेकिन इन रिटर्न रिएक्शन नहीं हो रही है, दीवार आगे नहीं जा रही है, दीवार पीछे नहीं जा रही है, तो उस एक्शन को भी कंसीडर ही नहीं किया जाएगा जब हमें रिएक्शन ही नहीं मिलता, ठीक है। अब आप दरवाजा खोल रहे हो, दरवाजे के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की, एक्शन हुआ, दरवाजे ने रिएक्शन किया, ठीक है। ये कुछ भी है, फ्रिक्शन है, आप चल रहे हो, ठीक है, जमीन पे चल रहे हो, फ्रिक्शन लग रही है, आपने जमीन के ऊपर एक्शन किया पाँव रख के, आपने आगे की तरफ, जमीन ने क्या आपको आगे की तरफ मूव करने में हेल्प की एज अ रिएक्शन, उस वक्त रिएक्शन जब आ रहा है तो उसमें एक्शन को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अगर आप दीवार को धक्का मार रहे हो, पत्थर को, बड़े पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहे हो अकेले ही, तो ये चीज पॉसिबल है, उस वक्त हम क्या है एक्शन उसको कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। जबकि कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, सबसे पहले है बुक केप्ट ऑन अ टेबल, देखिए इसमें क्या होता है, वे किताब है हमारे पास टेबल पे पड़ी है, उसमें हमारा क्या एक्शन रिएक्शन है, रिएक्शन रिएक्शन ये। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने बताया था इस चैप्टर में हम फ्री बॉडी डायग्राम क्यों पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, हर एक बुक चीज के बारे में बताना उसमें क्या क्या फोर्सेज एक्ट करेंगे। मान लीजिए एक बुक है, उसका कुछ वेट है डब्ल्यू, वेट W हम क्या ऑब्वियसली डाउनवर्ड शो करेंगे, क्योंकि वो वेट क्या है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ लग रहा है, ठीक है। अब ये रेस्ट कर रही है ऑन द टेबल, तो यानी कि रेस्ट पोजिशन पे है, तो बुक क्या है एक डाउनवर्ड फोर्स, पड़ी पड़ी बिना मूव किए हुए रेस्ट पोजिशन पे एग्जर्ट कर रही है एक डाउनवर्ड फोर्स, कहाँ पर, टेबल पर। यानी कि ये जो है इसने यहाँ पर ये एक्शन कर दिया टेबल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करके। अगर ये टेबल ऑपोजिट में रिएक्शन फोर्स नहीं देगा तो ये बुक क्या इस टेबल को तोड़ के नीचे चली जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। बुक कैसे टेबल को तोड़ के नीचे जमीन पे गिर सकती है, इसमें तो कोई भारी बुक ही नहीं है, या फिजिक्स की ले लो, इतनी भी भारी नहीं है कि टेबल पे रख टेबल टूट गया, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर जो टेबल है
वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करें। अब देखिए ये डाउनवर्ड एक्ट हो रही है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अट्रैक्ट एक्ट करेंगे यहाँ पर, यानी कि रिएक्शन हो गया। दैट रिएक्शन इज आर, यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो बुक, अब यहाँ पर बुक के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है? एक तो वेट लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स लग रही है, इसको नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। इसको एन से भी डिनोट किया जाता है, आर से भी डिनोट किया जाता है। ये हमने शायद शुरुआत में किया था जब इस चैप्टर की बिगिनिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब देखिए जब दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही हैं, बुक को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट लग रही हैं तो बुक क्या है, अपनी पोजीशन पे मेंटेन रह रही है बिना कुछ किए। तो दैट मीन्स अब ये कंडीशन जो हो जाएगी इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। दिस इज हाउ इट मीन्स इक्विलिब्रियम। यू आर आस्किंग क्या होता है इक्विलिब्रियम? ये होती है कंडीशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लूं। हाँ जी, नेक्स्ट है, जब भी हम चलते हैं, जिसकी मैंने अभी अभी एग्जांपल दी, व्हाइल वॉकिंग, यहाँ पर ये हमारा पैर है, ठीक है। मेरी ड्राइंग पे शक नहीं करना, मैं बहुत कलाकार लड़की हूँ, ठीक है। मैं औरत कहने वाली थी, खैर मैं औरत हूँ, बहुत कलाकार औरत हूँ, मेरी ड्राइंग का मजाक नहीं उड़ाना। बहुत तो फैन है मेरे, देखो मेरा पैर कितना सुंदर बना, कभी देखा है ऐसा इंसानी पैर? हाँ जी, जब भी हम वॉक करते हैं हम के ग्राउंड को प्रेस करते हैं। जब हम ग्राउंड को प्रेस कर रहे हैं उस वक्त के हम इसके ऊपर एक्शन लगा रहे हैं। कैसे प्रेस करेंगे? विद अवर फीट। तो जब हम इसके ऊपर प्रेस करें, यहाँ पर इस तरफ से हमने क्या इसके ऊपर प्लेंटेड फीट से टेढ़ा कर लिया ना पैर, प्लेंटेड फीट से के इसके ऊपर क्या है एक्शन कर दिया। और जैसे हम ये एक्शन करेंगे इन रिटर्न हमें भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन मिलेगा ग्राउंड की तरफ से, ऐसे जिससे क्या है हम आगे की तरफ मूव होंगे। सेम दूसरे पैर पे हो जाएगा जब तक वो एक प्लेंटेड को लेके आएगा। तो इस तरफ से हम के इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मेरे पास रिएक्शन फोर्स आ रही है ऐसे, अभी ऐसे आ रही है ना, रिएक्शन आ रही है ऐसे आर। तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। अगर मैं इसके बनाना चाहूँ कॉम्पोनेंट, ये आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्यों बनाए? ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास आर साइन थीटा, ठीक है, ये बैलेंस कर रहा है हमारे वेट को, जबकि ये जो आर कॉस थीटा है ये हमें हेल्प कर रहा है टू मूव फॉरवर्ड। समझ में आई? इस तरह से ये वाला प्रोसेस होता है हमारा वॉकिंग वाला, वॉकिंग ऑन ग्राउंड क्या होता है। देखिए रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगी क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या फोर्स लगी ग्राउंड के ऊपर, ये रहा ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या रिएक्शन से एक तो यहाँ पर आर कॉस थीटा बन गया, एक यहाँ पर सीधा आर साइन थीटा। अब ये जो आर साइन थीटा है ये हमारे वेट को बैलेंस कर रहा है, तो कहीं हम पीछे ना गिर जाए, कहीं आगे ना गिर जाए, वहीं पे रहे, ठीक है, उस चीज को बैलेंस कर। तो ये वाला पार्ट है, ये देखिए आगे की तरफ, तो ये हमें हेल्प करे कि हम आगे की तरफ सही तरीके से मूव कर पाए। सिमिलरली अब अगर हम स्लिपरी जो फर्श होता है, स्लिपरी जो हमारे पास टाइल्स होती है मार्बल होते हैं, उसके ऊपर हम अगर चलने की कोशिश करें, या हमने जूते ऐसे पहने हैं कि जो इजीली स्लिप हो जाते हैं उसको पहन के चलने की कोशिश करें, तो इसमें हम क्या है ग्राउंड को प्रॉपरली पुश नहीं कर पाते। क्यों? यहाँ पर जो था ये ग्राउंड, ये था रफ। अगर हम स्मूथ पे चलेंगे, स्मूथ पे चलने से क्या होगा, ये दोनों प्रॉपरली एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
ये ना तो प्रॉपरली क्यों नहीं एक्टिवेट, क्योंकि सफिशियंट रिएक्शन नहीं मिल रही प्रॉपरली। जब हम इसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, फोर्स अप्लाई करते ही हमारा पैर स्लिप हो गया, तो जो इस डायरेक्शन में रिएक्शन लगने थी वो तो प्रॉपरली लगी नहीं। जब ये रिएक्शन ही नहीं लगी तो फिर तो हम मूव फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। या तो हम स्लिप होकर अच्छे से गिरेंगे, दांत तोड़वाएंगे, या पीछे पीछे की तरफ गिर के सिर्फ पकड़वाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्या है कील को, ये हमारी कील है, देखो मेरी खूबसूरत सी कील है, नील जो है, इसको मैं वुडन ब्लॉक के ऊपर क्या है डालना चाहती हूँ, हिट करती हैंडल। तो मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से पकड़ा नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि मेरे हाथ से गलत है, तो इसको सिंपल रख दिया और ऊपर से हथौड़ा मार दिया। जैसे ही हथौड़ा मारूंगी ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होगी, क्यों इसको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, अब ये जब अनसपोर्टेड है तो फिर या तो ये आगे की तरफ ऐसे मूव कर जाएगी, या पीछे की तरफ मूव कर या इस तरह से हो जाएगी। क्यों? सपोर्ट के कारण के इसको प्रॉपरली यहाँ पर के वुडन ब्लॉक के ऊपर के प्रॉपरली एक्शन नहीं कर पा रही है, जिसका वुडन ब्लॉक इसको प्रॉपर रिएक्शन नहीं दे रहा है और ये क्या टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। लेकिन वही अगर मैंने इसको क्या यहाँ पे सपोर्ट कर दिया अपनी विद हेल्प ऑफ माई फिंगर्स यहाँ पे, तो भी अच्छे से स्टेबल है। जब ये स्टेबल होगी ये वुडन ब्लॉक के ऊपर एक्शन करेगी, फिर वुडन ब्लॉक भी इन रिएक्शन देगा और यही अंदर ठीक अच्छे से अंदर धंस जाएगा। सपोर्ट की जरूरत होती है टू होल्ड इट इन पोजीशन। ठीक है, इस तरह से पहले उसको पकड़ा जाता है की से, फिर है रोटेटरी लॉन्ग स्प्रिंग, वो जो रोटेशन करते हुए जो है पानी नहीं छिड़कता होता लॉन के अंदर, या मतलब हाथ के ऊपर पानी छिड़कने वाला जो होता है। अब जो रोटेटरी वाला होता है वो इस तरह से ऐसे घूमता होता है, यहाँ पे पानी छिड़क दिया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, इस सब जगह पानी छिड़कता जा रहा है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे? जैसे ही नोजल से पानी निकलता है ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट करता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिससे कि जो स्प्रिंकलर है और अच्छे से रोटेट करते हैं। यानी कि ये मेरा स्प्रिंकलर है, यहाँ पर एक नोजल है, इसने जैसे पानी ऐसे छिड़का, इसने तो एक्शन कर दिया, लेकिन एक्शन करते ही सराउंडिंग में जो हवा है उसने उसको रिएक्शन दे दिया आगे की तरफ मूव करने में, इस तरह से। फिर ये यहाँ पे फिर करेगा ऐसे, मतलब कि पानी छिड़केगा फिर ये आगे मूव कर देगा, यहाँ पे फिर पानी छिड़का ये आगे मूव कर गया, इस तरह से मूव कर बर्फ। यहाँ पर भी हमारे पास क्या लग रही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम करते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। देखिए हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में है क्या एक्चुअली, पहले हम देख लेते हैं। ये है मेरे पास कार्ट, यहाँ पर मेरे व्हील्स है, ठीक है, और ये जमीन पे चल रही है। अब इसके अंदर क्या कुछ होगा हम देखते हैं। अब इसको क्या एक धागे से बांधा हो गया, इट इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या है स्प्रिंग है, मास के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, स्प्रिंग में टेंशन पहले लगाने को। जो होस है यहाँ पे होस बना है एक, तो ठीक है, अभी ये मेरा होस ऐसा ही है कुछ अजीब सा। ठीक है, होस ने क्या इसको कनेक्ट किया स्प्रिंग के साथ, कार्ड को अपने साथ, और उसको पुल कर रहा है। जब वो पुल करेगा इस तरह से टेंशन थी, एक टाइप ऑफ होस है वो प्रोड्यूस करेगा इन द स्प्रिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्शन, स्प्रिंग के ऊपर जो एक्शन लग रहा है। देन द कार्ड इन टर्न घोड़े को अपनी तरफ खींच रही है बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। अब ये घोड़े को अपनी तरफ इस तरह से खींच रही है बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी कि यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। इसलिए कई बार जब कार्ट एकदम से रुकती है या अटकती है या चढ़ाई चढ़ती है, या बीच में कुछ रुकावट सा आया, पत्थर सा आ जाता है छोटा सा, तो घोड़ा भी पीछे की तरफ धकेला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिएक्शन लग रही है।
देखिए शुरुआत में क्या होता है, घोड़ा जो है प्रेस करता है ग्राउंड को विद ए फोर्स एफ। अब ये फोर्स एफ लग रही है हमारे पास, जैसे हम चलते हैं ना स्लैंट करके, वैसे ही घोड़ा चलता है स्लैंट करके, स्लैंटिंग फीट के साथ, जिसने ग्राउंड के ऊपर ऐसे एफ फोर्स लगाई तो ग्राउंड रिएक्शन भी देगा आर फोर्स, जो कि ऐसे ऑपोजिट यहाँ पर शो कर देते हैं, रिएक्शन फोर्स आ गई जिससे वो आगे बढ़ा। ठीक है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आ गई। अब रिएक्शन के स्लैंटेड फॉर्म में तो हमारे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट को भी लिख लेते हैं कि हमारे पास रहेगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट किसके लिए है, तो बैलेंस द वेट ऑफ हॉर्स, यहाँ पर हॉर्स का वेट लग रहा है डब्ल्यू नीचे, सीधी है ये लाइन। ठीक है, बैलेंस द वेट ऑफ हॉर्स हॉरिजॉन्टल क्यों लग रहा है, टू हेल्प द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। सारा कुछ ठीक है, फ्रिक्शन भी तो है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके हमेशा ऑपोजिट लगे ग्राउंड के ऊपर, एफ स्मॉल एफ। तो अब देखिए, जैसे कि घोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो कार्ट को खींच रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो टेंशन से ज्यादा है, टेंशन वाली फोर्स से ज्यादा है, तो जो नेट फोर्स हमारे पास एक्ट होगी, टोटल फोर्स जो हमारे पास एक्ट हो रही है फोर्स के ऊपर, हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनस टेंशन, क्योंकि टेंशन को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, टेंशन तो एक्ट होगी ही होगी क्योंकि वो स्प्रिंग के साथ कार्ट को अपने साथ पुल कर रहा है। अगर कार्ट को काट देते तो हमारा ये टेंशन वाली फोर्स खत्म हो जाती, इसको हम लगाते दो, लेकिन अगर ये कम है तो ये माइनस होके पीछे लग सकते हैं। अब फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स लगा रहा है एम इन टू इट, अप्लाइड फोर्स लगा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, सॉरी यहाँ पर नहीं, पूरी जो ये टोटल फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास एम इन टू ए के लग, मास ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन फोर्स। नाउ ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, फोर्स आगे लेके जा रहे कार्ट को, ठीक है, लेकिन उस वक्त हमारे पास, हम सिर्फ ऑपोजिट फोर्सेस की बात करें, जैसे ऑपोजिट फोर्स यहाँ पर टेंशन दिया, अब अगली ऑपोजिट फोर्स है हमारे पास फ्रिक्शन। जैसे ही फोर्स कार्ट को मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है फ्रिक्शन से, अगर ये मूव ना कर पाता तो टेंशन कम रह जाती फ्रिक्शन से, तो या तो ये होता कि स्ट्रिंग टूट जाती या फिर कार्ट मूव ही ना करती, रुक जाती है ना, ऐसा कुछ होता। अब भाई कार्ट को तो लेके वो जा रहे हैं, दैट मीन्स फ्रिक्शन कमजोर पड़ रही है टेंशन ऑफ स्प्रिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या आ जाएगी, नेट फोर्स किसकी, एक्टिंग ऑन कार्ट, ये थी फोर्स की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कार्ट इज सी माइनस एफ। अब जो वेट है कार्ट का वो बैलेंस हो रहा है बाय द रिएक्शन ऑन द ग्राउंड एक्टिंग ऑन इट, ये डब्ल्यू इसका वेट है और ये क्या है, रिएक्शन है, क्योंकि अगर ये बैलेंस ना होता तो कार्ट जमीन के अंदर घुस जाता, ये तो एक बैलेंस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन है कार्ट के पास, है कार्ट का मास है एक्सेलरेशन की, क्योंकि वो घोड़े के साथ मूव कर रही है। अब घोड़े का मास अगर हमने स्मॉल एम लिया, जितना घोड़ा एक्सेलरेट कर रहा है उतने ही के कार्ट एक्सेलरेट करेगी, तो वो ए तो सेम हो जाएगा, लेकिन कार्ट का हम मास कैपिटल एम ले लेते हैं। ठीक है, टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम, ये हो गया कार्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को ऐड कर लेते, ठीक है, जब ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एच माइनस टी प्लस टी माइनस एफ इक्वल टू एम ए प्लस एम ए। देखिए टी और टी कैंसिल, पीछे के बचा एच माइनस एफ इज इक्वल टू, ए कॉमन निकाल लेते एम प्लस एम। एक्सेलरेशन अगर हमें निकालनी हो तो एच माइनस एम यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस एफ इज इक्वल टू एम प्लस। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये चीज पॉजिटिव है, ये सारे के सारे टर्म पॉजिटिव है क्योंकि मास तो नेगेटिव हो नहीं सकता, दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो एच हमारे पास एफ से बड़ा है,
एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है यानी कि रिटार्डेशन हो रही है, दैट मीन्स ये सारी चीज नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, एच कम होगा फ्रिक्शन, तो ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो घोड़ा नहीं घुमा लेके जा पाएगा ना उसको, तो हमारे पास फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन जो ये हमारा होर्स कार्ट का सिस्टम है इसके ऊपर ज्यादा नहीं, दैट इज ए होर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। एक बार इसको देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बट इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल एंड सम एजम्पशन रीजन, थोड़ा सा एक बार देखो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 का नहीं 2 मिनट में, बस ये आप देख ही लोगे। देखो एक बार, कुछ पूछना है तो पूछो। मैम एक बार दोबारा समझा दो। हाँ जी, समझा देती हूँ। देखिए हमने कंसीडर किया है एक घोड़ा जो कि कार्ट को खींच के लेके जा रहा है। ऑब्वियसली जब घोड़ा कार्ट को खींच के लेके जा रहा है तो स्ट्रिंग में हमारे पास टी टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब हमें पता है जब घोड़ा कार्ट के ऊपर एक्शन कर रहा है तो कार्ट भी इन रिएक्शन उसके साथ जा रही है, तो यहाँ पर माइनस टी ऑपोजिट रिएक्शन आ गया, ठीक है। हमने माइनस टी को कंसिडर कर लिया। अब देखिए घोड़ा कैसे मूव करेगा, जैसे हम इंसान मूव करते हैं, बेशक उसके 4 हैं पैर, तो वो क्या करता है, वो ग्राउंड को जैसे ही प्रेस करता है विद द फोर्स एफ इन द इंक्लाइन डायरेक्शन, ये इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स एफ सी के ऊपर जोर लगाता है, तो ग्राउंड से क्या रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, आर। जब ये रिएक्शन आर आ रहा है तो वो ऑपोजिट रिएक्शन में आ रहा है, तो वो आर के अब स्लैंटेड फॉर्म में, तो उसके दो कंपोनेंट हम लेंगे, एक क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट तो वेट को बैलेंस करने के लिए, दैट मीन्स ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर हमारे घोड़े पे भी लग गया, कार्ट पे भी लग गया। जो दूसरा है हॉरिजॉन्टल, वो घोड़े को आगे की तरफ भेजने के लिए, और एक हमारे पास फोर्स लग रही है फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड। तो पहले हम घोड़े की बात करते फिर कार्ट की बात करेंगे। देखिए जो घोड़ा है वो आगे की तरफ मूव करे, मूविंग फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड मूव करने के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, एच का टेंशन क्या क्या पीछे की तरफ धकेलने वाला है, ये वाला जो इसके ऑपोजिट इसके सामने जो पड़ा है पीछे की तरफ धकेलने वाला है, माइनस टी अगर है भी तो ये भी इसके ऑपोजिट पड़ा है ना, तो वो तो स्प्रिंग का हो गया। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग में काइंड ऑफ रोकने के लिए, घोड़े को स्लो करने के लिए, क्योंकि उसको कार्ट को खींचना पड़ रहा है, बट स्टिल घोड़ा आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसका ये वाला पार्ट जो है जीत रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास ग्रेटर होगा देन टेंशन। अगर ये टेंशन जो है ग्रेटर है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स, एक्टिंग ऑन फोर्स क्या होगी, एच जो कंपोनेंट कम है वो माइनस ही आ जाएगा पीछे। तो अगर एक्सेलरेशन भी है घोड़े के पास, अपना मास भी है, तो हम ये कह सकते हैं जो नेट फोर्स लग रही है घोड़े के ऊपर वो एमेंट हो रही है। बात करते हैं कार्ट की, कार्ट भी तो आगे मूव कर रही है, कार्ट अगर आगे मूव कर रही है किसकी मदद से कर रही है, स्ट्रिंग की मदद से। स्ट्रिंग से कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन ये वाली, इसमें ये वाली थी इसमें ये वाली नहीं, इस टेंशन की मदद से आगे की तरफ मूव करिए। अब आगे मूव करिए, ऑपोजिट फोर्स इसकी कौन सी है, फ्रिक्शन के लगने के बावजूद कार्ट आगे की तरफ जा रही है, उसके पहिए आगे की तरफ मूव करे, दैट मीन्स ये टेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन हियर, तो एच इज ग्रेटर देन एफ। नाउ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कार्ट
हमारे पास क्या है, जो पार्ट छोटा है वो पीछे माइनस में आ जाएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्ट क्या है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तो वो हमारे पास इसके इक्वल आ गया। ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, एड इक्वेशन नंबर वन एंड टू। तो व्हेन वी एड इक्वेशन नंबर वन एंड टू, एच माइनस टी प्लस एच, सॉरी यहाँ पे टी आना था, सॉरी 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 सॉरी, एच नहीं आना था, टी आना था, क्योंकि ये इन दोनों की बात हुई ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमारे पास इसके घोड़े का है, प्लस टी माइनस एफ इजिकल्स टू एम ए प्लस एम ए, टी के साथ टी कैंसिल, एच माइनस एफ, एक एक्सेलरेशन जो कॉमन निकाली एम प्लस एफ, बैक्सेलरेशन को कॉमन निकाल लिया तो एच माइनस एफ जो हो जाएगा हमारे पास एम प्लस एम के इक्वल आ जाएगा। बैक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा होगा फ्रिक्शन से, यानी कि घोड़ा आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, जब व्हेन एच इज ग्रेटर देन। अगर एच लेस देन एफ हो गया, यानी कि ये साइन नेगेटिव, ये नेगेटिव, दैट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू रिटार्डेशन हो रही है, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ रही है एच से, ठीक है। तो अगर ये चीज हो रही है तो फिर वहां पे रिटार्डेशन होगी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर गिर गया, हमने इसको पॉजिटिव ही रख लिया जिसका होल सेल काट हो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आई विल सेंड यू वर्कशीट रिलेटेड टू इट, ठीक है। अब आगे टॉपिक हमारा कल को करेंगे, सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन एंड अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन, ये भी इसी के साथ लिंक्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, होल सेल काट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ रहा है, उसकी एप्लीकेशंस आ रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। समटाइम्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो हमारे पास डेरिवेशन होता है वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिड्यूस द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। फिर रॉकेट प्रोपल्शन वाली हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, और उसके बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे। कंकरेंट फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके हमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये है अभी एक हफ्ते का कॉन्सेप्ट है, बट चाहे हम ये दो दो टॉपिक करके करेंगे, बट इसको अच्छे से करेंगे ताकि हम कहीं से भी मार्क्स ना कटाए, ठीक है। फिर यस मैम, तो अभी एक बार रिवाइज करो, तब तक हम 5 मिनट के ब्रेक करके फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, ये समझ आ गया था सारा?